आपका नाम क्या है? मीरा बेग। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से? पाकिस्तान सिंध हैदराबाद। कब आए हैं आप? हमारे को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 7वां शुरू हुआ, 6 के पूरे। तो आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं? भी हम दुखी हैं वहाँ, हमारे को जीने के लिए अधिकारी नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? अपने धर्म का वहाँ मान ही नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? क्या मतलब इस बात का, धर्म का मान नहीं, जीने का अधिकार नहीं, कैसे? हमें जीने का ये नहीं, हमें मुसलमान वहाँ बनाते हैं, हमारा धर्म हमारे से वेस्ट करवाते हैं, गाय खिलाते हैं हमारे को, हम ऐसी कैसी जिंदगी जी? अपने सुहाग होते हुए भी हम विधवा रह के रह सकते हैं, हम सिंदूर मांग नहीं भर सकते, हम मुसलमानों की जिंदगी कैसे जियेंगे वहाँ? हम हिंदू हो के मुसलमान कैसे बन सकते? हमारा तो बड़ा धर्म है तो हिंदू बनना, हम तो बोलते हैं हिंदू बने, मुसलमान नहीं बने, हम तो ये कहते हैं मुसलमान है वो भी हिंदू। एक मिनट मीरा, क्या कह रहे हो आप? बुजुर्गों का इधर पड़े है ना, दूसरा हमारा वो बेचारे तकलीफ में, क्या करें? तुम वहाँ पे अपने त्योहार वगैरह कोई नहीं मना सकते थे? कोई हम त्योहार नहीं कर सकते, कोई होली दिवाली नहीं कर सकते। एक बार किसी के ऊपर होली का रंग पड़ गया तो उसको बंदूक से मार डाला। और कोई मर जाता है तो उसको कैसे क्रियाक्रम कैसे करते हो? उसको जलाते हैं सर, वो जलाने के लिए हमारे को जलाने नहीं देते, बोलते बदबू आती है, इसको दफना दो, कीड़े पड़ने दो इसको। हम बोलते हैं हमारा धर्म है पहले का, वो ही हमें धर्म कर्म करना चाहिए, फिर भी हमारा कुछ वहाँ मान नहीं है। जिसके पास भी जाते वही मुसलमान है, वही डांट पीट के बाहर निकाल देता है। कोई हमारा बड़ा अफसर नहीं बनाता है, कोई हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई हमारे बच्चे हैं ना, कोई बड़े नहीं बन सकते। तुम्हारा जन्म वहीं हुआ था? हाँ जी। तो फिर वो आप उसकी कानून को शिकायत नहीं करते वहाँ पर पुलिस वालों को? शिकायत करते, कानून और मुसलमान ही है, सब मुसलमान है, किसी